ऐसी लोकेशन पे आए और आपने पुट्ठे पंगे नहीं ना लिए तो कुछ नहीं किया। पर ये देखिए, वाओ वाओ, और वो सामने देखिए ऊपर, आए हाय हाय हाय। जो पहले वाला ब्लॉग तो एंड किया था, बस अभी यहाँ से हम पैकिंग कर रहे हैं, सामान इस प्रकार से रख लिया। तो यार ये बहुत ही अच्छा हुआ, वरना मेरी हालत बहुत बुरी ख़राब हो रही थी पीछे। तो बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, आगे जाके मिलते हैं आपको। अब मनाली के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से कोई एक घंटे का ही रास्ता है मनाली का। तो ये देखते हो यहाँ पे शो मिली है मनाली के आगे। तो ये बहुत ही काम के होते हैं, जैसे स्नो में जाना हो तो उसके काम के रहते हैं। तो इधर भी शॉप है, काफ़ी शॉप है, पर मैं यहाँ पे रेनकोट पता कर रहा हूँ तो वो नहीं यहाँ पे अवेलेबल है। तो बाकी हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं आगे के लिए। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी हम जा रहे हैं सीसू को। तो ये देखिए, ये लटकने वाला, वो देखिए कैसे लटक रहे हैं, और नीचे से भी आ रहे हैं। बस इसमें से ऐसे उस साइड तक जाएंगे ये लटक के। आगे भी है, अगर आपने भी ये करना हो ट्राई तो कर सकते हो, है कि नहीं भाई। हम सीसू को निकलते हैं अब। वो देखो, एक वो भाई आ रहे हैं, आए भाभी वापिस आए। फ्री चढ़ा दो भाई, इसके भी पैसे लगेंगे। मजा आ रहा है भाई, ऐसा मतलब कभी जिंदगी का आप आओगे ना तो आप खुद बोलोगे इतना मजा। सही बात है, बोल रहा हूँ अपनी, मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतना मजा कर रहा हूँ। और इतनी दूर आने का ख्वाब और इतना वो करने का भी, स्प्लेंडर पर आए हम भाई। बस आवाज साफ नहीं आ रही होगी ना मेरे को पता है यहाँ पे मेरे पास। बस ये देखो, ये चीज होगी ना आगे तो ट्राई करेंगे। पहाड़ कितने अच्छे अच्छे हैं ना, ये दोस्तों सामने बिल्कुल वो देखो, वाओ क्या नजारे हैं। वो सामने बिल्कुल बर्फ गिरी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको क्रॉस होने दो, मेरी आवाज तो साफ नहीं आ रही होगी, बट ये है कि चलो देखते हैं। ये देखो, ये है खतरनाक व्यू, वाओ। और बाइकर्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं इन रोडों पे। तो ये सब कुछ देखिए, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। और मैं भरमौर गया था, वहां का बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, और यहाँ का बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का एक्सपीरियंस है भाई। मैंगलोर वाली साइड भी गए थे, तो मैंगलोर नहीं है कुछ भी। सही बात है, हर कुछ नया देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नया। तो ये चीज भी मैं ट्राई करना चाहूंगा यार, काफी अच्छा है ये, देखेंगे अगर बनेगा तो ये ट्राई करेंगे आके। पहले जहाँ पे जा रहे हैं उधर ही चलते हैं। ये सामने पैराग्लाइडिंग, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी है, ध्यान रखिए ध्यान। अल्टीमेट, एक से ऊपर एक व्यू में देखने को मिल रही है। वो देखिए ऊपर रूप वे वगैरह, वो देखिए। तो जो पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है ना, तो ये भी यहाँ पे वो होती है, मतलब पैराग्लाइडिंग जो लैंडिंग होती है वो भी यहाँ पे ही होती है। और आर्मी के सोल्जर जो कि देश के जवान, वो यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो बस यहाँ पे जाम लगा हुआ है, यहाँ से निकलते हैं फिर आगे को। देखिए यहाँ के खेत, लोग खेतों में लगे हुए हैं, इसके राइडर के काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा राइडर के, तो इनका भी लड़ना ठीक बहुत ही अच्छा आ रहा था, पर क्या करें किस्मत।
पे ना यार एक दूसरे को बाइकर्स है ना जो वो सपोर्ट करते हैं पूरी। अभी बाइक वाले गए वो ना ऐसे करके गए पूरा, बोलते यो एंजॉय करो एंजॉय, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इस लोकेशन पे आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा है यहाँ का, और अभी अटल टनल है ये, अभी हम क्रॉस करने आ रहे हैं इसको। चले भाई तो चलो चलते यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि आवाज़ आपको साफ भी आए। इधर आप देख सकते हो ऊपर, देखो भाई मारो यार ऊपर, देखिए यार कितना ही अच्छा ये व्यू देखने को मिला है यहाँ पे। बस यो गुफा बिच ते आए, ग्लेशियर गुफा बिच ते आए, तां ऊपर ठंड दिख रही है। तभी तो देख सकते हो कितना, मतलब देखा वैसे ना जैसे पहाड़ क्रॉस कर रहे थे तो नहीं मतलब पता लग रहा था बर्फ, तो जैसे ठंड लग रही थी बहुत अंदर ना। हाँ ठंड लग रही थी बस, हमें ये पता था, मेरे को मैंने देखी है वीडियो वैसे, पर मेरे को ये मतलब पूरा एस्टिमेट नहीं था कि आगे जाके बर्फ देखने को मिलेगी। देखो कितनी ज़्यादा बर्फ देखने को मिल रही है यहाँ पे, अब बनेगी कुछ भी आगे आगे। तो ऐसी लोकेशन पे आए और आपने पुट्ठे पंगे नहीं ना लिए तो कुछ नहीं किया। इसको मैं रख नहीं सकता नीचे, अगर रखूँगा तो नीचे जाएगी तो ना बाइक का बैग ना नीचे जाने लगा था अभी यहाँ से, अभी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसके बारे में मैं थोड़ा सर्च करता हूँ, मेरे को सच में कुछ भी पता नहीं है, तो थोड़ा देखता हूँ वीडियो वगैरह फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो ये आठ मीटर इसीलिए बनाई गई है, दूरी है वो पहाड़ी। यार सच में मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के, और पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मेरे को नॉलेज कुछ भी नहीं है मतलब कि ना जिसको बोल सकते हैं नूपड़ा हूँ मैं यहाँ का। तो बस यही समझ लो कि आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने हैं अभी। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे शीशु के लिए, कभी सोचा ना था यहाँ आएंगे। हाँ ध्यान से, मैंने ऐसे पहाड़ सॉरी ऐसे जो पेड़ है पहली बार देखे हैं। तुमने भाई 108 किलोमीटर आगे सर कहाँ से वैसे तुमने पेड़ देखे पहले ये वाले? मैंने भी पास आए तो यहाँ पे देखिए वॉटरफॉल बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे लेडी किलर मूवी की शूटिंग चली हुई थी, अब तो खत्म हो चुकी है वो, देख सकते हो अब नीचे जो सब इनका ही सामान है ना। तो वो सामने क्या चला हुआ है, वो सामने क्या चला है, तो वो शूटिंग चली हुई है वो आप देख सकते हो सामने। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शीशु में आके, और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। तो अभी वो देखिए यार, मैं ये सच में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा ऐसा मतलब पहाड़े। वैसे मैं ब्रह्मोर गया था, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी नेचर है, बट ऐसा फील वहाँ पे नहीं आ रहा आता। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा कैंप टाइप लगाते हैं, अपना टेंट वगैरह लगाते हैं, अगर यहाँ पे लगाते हैं टेंट वो
वो सामने भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, पेट में काफ़ी ज़्यादा चूहे भाग रहे हैं तो कुछ खाते हैं वहाँ पे बैठ के। चलो वो सामने देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये छोटे छोटे बच्चे, हाय यार, इनके लिए कुछ लेना था खाने के लिए तो देखते हैं। भाई बोल रहे हैं अपने लाले बड़े हैं, यहाँ पे देख लो भाई, कहीं अंदर जाके थोड़ा अंदर जाके बैठते हैं ना पेड़ों में। वाह यार क्या ओपी व्यू है, खतरनाक। इधर ही लगा लो अंदर जाके ना, थोड़ा इधर से अंदर लो, इस साइड से अंदर ले लो, वो ऊपर जाके लो थोड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना बहुत ही ज़्यादा पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरा मेरे से नहीं रुका जा रहा कसम से थोड़ा भी। वो सामने शूटिंग चली हुई है पर हम अभी कुछ खाएंगे यहाँ पे यार, मतलब बहुत बुरी आदत हुई है। खोल लेते हैं भाई, पास में आ जाओ जरा। आपने बांधा ही बड़ा खतरनाक तरीके से, इसको बांधा ही बड़ा पक्का करके था भाई आपने। ये चीज बचा लो ना यार, अब तो ना जरा भी नहीं रुका जा रहा, दिल कर रहा है बस टूट पड़े। भाई खोलो यार, चार खोलो, ये वाला चार खाते हैं आज। कर दिया उन्होंने, अब नहीं रुका जा रहा भाई। ओके सही बोल रहे हो भाई, भूख बहुत ज्यादा लग रही है अभी ना यार, जान ही रहा है। वो काफी ज्यादा लगी है दोस्तों, इसमें रख देना भाई, और सभी गर्म करके इसमें रख दो। हाँ रुको करते हैं, अभी एक जादू करूंगा भाई, आपने देखना है जादू देखोगे आप? हाँ भाई बताओ। देखते और वो देखिए शूटिंग करी हुई है, और राइडर्स वगैरह भी है वो सामने, दो देखो जा रहे जा रहे है। अब देखना भाई जादू देखना आप, इसको ऐसे करना है ना। हाँ भाई ठीक है। हाँ भाई इसको भाई 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 अब पेड़ नहीं गिर रहा। हाँ हाँ क्या मजा है, कर दो बंद पहले आप। साथ साथ में परांठे गर्म हो रहे हैं और साथ साथ में खाए भी जा रहे हैं। देखो भाई एक बात बताओ यार, अभी गर्म किया ना तो घर जैसा टेस्ट आ रहा पूरा है ना, पहले ठंडे खाए थे ना तो ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मम्मी जी आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपका दिल से धन्यवाद इस टाइम करना चाहते हैं, क्या बोलते हो भाई? क्योंकि ये परांठे थे जिन्होंने हमें बचाया, पर ना हमें बार बार कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो बड़ा कुछ है हमारे पास पर बनाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके उतना अपना एक घर से, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ ना सभी को भाई, यही सलाह है कि घर से अपना खाना एक या दो दिन का है ना, एक दिन का दो। हाँ और इसको बंद कर देते हैं, अभी खाएंगे साथ। अभी थोड़ी पेट पूजा की और मज़ा आ गया सच में। और वो सामने ना शिशु का वाटरफॉल है वो सामने, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे टेंट और करेंगे कैंपिंग। मैं यहाँ पे टेंट लगा लेता हूँ, तब तक भाई गया ना पानी लेने, यहाँ पे देखते हैं कि कहीं पानी मिलेगा। शूटिंग चली हुई है, मैंने आपको बताया ही यहाँ पे शूटिंग चली है, तो देखते हैं पानी मिल जाएगा तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो कहीं और जाना पड़ेगा, पानी तो ज़रूरी है ना। फिलहाल टेंट लगाते हैं यहाँ पे। ये मेरे साथ हर बार फील होता है, अभी मैं टेंट लगा के हटाऊं वो टेंट, फेस इसका इस साइड को बना था उस साइड को हो गया है, तो इसको करते हैं ठीक। अब हमारा ना एक प्लान चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो प्लान ऐसा है कि वो सामने घर दिख रहे हैं हमें, तो हमारे पास थोड़ा रजाई की दिक्कत है, तो उनसे पता करते हैं, अगर वो रजाई दे देंगे तो उनको हम पे कर देंगे उसके बदले। तो ये बच्चे मिले हैं, क्या कर रहे हैं आप? देना मेरे को। तो देखिए ये होता है सबसे बड़ा दिल, नहीं आप खाओ ठीक है, खाओ आप। तो ये देखिए ये है बच्चों का, इन बच्चों का दिल, तो ये बोल रहे हैं कि आप खा लो। इनको अभी वो गाड़ी में गए तो वो देकर गए हैं, तो ये मेरे को दे रहे हैं, बोलते हैं कि तुम खा लो। बच्चे हाँ ये ठीक हो,
दोस्तों हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये आंटी जी है यहाँ पे, तो इनका बहुत बहुत थैंक यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है रात का। मैंने सोचा यहाँ पे प्लान नहीं बनेगा रहने का, पर बन गया। तो इनके पास ना रहने के लिए वो ओढ़ने के लिए रजाई टाइप है, तो बाकी देखते हैं कि कैसे बनता है। तो ये ना जैसे आप शू शू आओगे तो फर्स्ट में इनका मतलब यहाँ पे लकड़ी का, आपका लकड़ी का काम है ना, लकड़ी का काम है ना, इनका लकड़ी का काम है। बहुत ही अच्छे बंदे हैं ये, तो कभी भी आपको भी थोड़ी ऐसी हेल्प चाहिए हो तो ऐसे मतलब कि ना ये पे कर देना आप, पे करके तो मतलब जैसे ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए हो तो आप यहाँ पे आराम से कैंप कर सकते हो। मेरा हमारा कैंप वो लगा है सामने, तो देखते हैं कि इनके पास हो जाएगा तो रात को हम यहाँ पे रहेंगे, बाकी देखते हैं कैसे बनता है। बाकी वो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, मज़ा आ गया, वाह क्या बात है। अभी बात बनेगी पूरी अच्छे से। तो इसमें पहले से आपने डाला है ना एक? नहीं डाला है एक। अच्छा एक डाला, ये बात बन गई। तो दोस्तों आज नाइट हम करेंगे यहाँ पे, तो देखिए भाई जा रहा है, तो रात का पूरा बंदोबस्त हमारा हो चुका है। ये अब आएगा मजा इन पहाड़ों में, देखो वाह। पर रात को ना हालत खराब होगी मेरे को इतना पता है पर ये तो मेरे को नहीं पता था यार यहाँ पे कैंप होगा यार, सच में अल्टीमेट मजा होगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा काफी नया है, मजा आ जाएगा मजा। कैंपिंग की लोकेशन चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पे खुला है पूरा, तो हवा लगेगी हर एक साइड से, तो इनमें थोड़ा बचाव होगा, इतना भी नहीं होगा, पर यह है कि पेड़ों के बीच में लगाएंगे ना तो थोड़ा मतलब फर्क पड़ेगा पहले से। अभी बनने जा रही है आग जलाने के लिए जगह, प्याज बढ़िया भाई बढ़िया इतने ना। तो फाड़ी दोस्तों सुबह हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ जो की रजाई वगैरह देने के लिए, आपको पता ही कहाँ से ली थी। और अब देखिए व्यू, वाओ अमेजिंग व्यू है सुबह का, और ये बर्फ का ढेर यहाँ पे लगने जा रहा है। डाल दो पानी, तो फाइनली दोस्तों मैगी जो बनके रेडी हो चुकी है, आज भाई ने की है पूरी कुकिंग। रात को आपने सोचा होगा कि आपने देखा होगा कि मैंने रात का नहीं बनाया बताया आपको, तो रात को हमने खाया था मैगी, उसके साथ मतलब खाना बचा था थोड़ा, तो मैंने सोचा सुबह भी मैगी बनाई तो रात को क्यों बताऊंगा है ना, तो सुबह का आपको बता दिया कि सुबह भी हमने मैगी बना के खा ली है। और इस टाइम तक हम यहाँ पे अभी एडिटिंग वगैरह कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्लॉग था, मैंने सोचा चलो ये अलग ब्लॉग बनाऊंगा, मतलब कैंप तक ख़त्म कर देंगे और कैंप का जो अलग बना देंगे शिशु का, तो फिलहाल मैंने एक ही ब्लॉग कर दिया इकट्ठा। और आप देख सकते हो ये पूरा नज़ारा पूरा इस टाइम, बस यहाँ से अभी फटाफट पैकिंग करेंगे एडिटिंग वगैरह करके ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा मैं, और अब हम आगे के लिए निकल जाएंगे। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।